वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ माई लेह लद्दाख डायरीज। तो आज है डे 2 का ही सेकेंड पार्ट। हमने होटल में दिन में लंच किया, रेस्ट किया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि शाम को हम लोग शांति स्तूपा जाएंगे टू सी द सनसेट। और यहाँ पे लैम्पटन कोई स्कूल है, उसका इन्होंने बना रखा था माउंटेन के ऊपर, जो हमने कैप्चर किया है। शांति स्तूपा काफ़ी हाइट पे है और यहाँ से पूरे लद्दाख सिटी का व्यू आता है। काफ़ी प्यारा व्यू आप देख सकते हो। आपको हल्का सा क्लाइम करके बुद्धा के जितने भी स्टैचूज हैं, हैट्स ऑफ टू देम, बहुत ही हाइट पे वो लोग बनाते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू होता है, बहुत ही अच्छी हवा यहाँ चल रही थी। थोड़ा सा क्लाइम करके आराम से चेयर्स थी, बैठ बैठ के हमने इस व्यू को एंजॉय किया। हमें रियलाइज़ हुआ कि बादल है, सनसेट बहुत क्लियरली नहीं दिखेगा, बट हमने कोई कोना नहीं छोड़ा ये देखने के लिए कि लेह सिटी ऊपर से कैसी दिखती है। प्लस ये स्टूप इतनी हाइट पर था कि यहाँ पर इतनी कोल्ड ब्रीज चल रही थी। नीचे मैं बैठी हूँ, ये वीडियो मिस्टर हस्बैंड ने ऊपर से कैप्चर किया है, क्योंकि ऊपर चढ़ने के बाद आपको और ऊपर जाना पड़ता है। शाम को हम लोग गए लेह मार्केट में, यहाँ पे काफ़ी कुछ था बट हम लोग काफ़ी टायर्ड थे, तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, बस ऐसे शॉप्स देखे। हमारे लिए एक अच्छी बात ये थी कि हमारा डिनर ब्रेकफास्ट दोनों ही हमारे होटल में स्पॉन्सर्ड था, बट फिर भी हमने पेस्ट्री खा ली। वरना अगर आपका होटल में इंक्लूडेड ना होना खाना, तो लेह में रेस्टोरेंट ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड थे। कैफ़े वगैरह थे बट रेस्टोरेंट्स बहुत ही लिमिटेड थे। और ये हमारा बफे डिनर शुरू हो चुका है। जैसे कि मैं बता रही थी, वी वर लकी दैट वी गॉट द राइट होटल, जहाँ पे हमको बहुत ही सही खाना वाना मिलता था। द मेन्यू वॉज ऑलवेज एक्सटेंसिव। खिचड़ी भी थी आज के दिन, तो मतलब अगर आपको कुछ वॉर्म चाहिए, देन वी हैड कढ़ी। काफ़ी अच्छा खाना था ऑल इन ऑल। जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि वेज में बहुत ही सही ऑप्शन थे, एंड आई डिड नॉट, आज तो मोमोज भी खाने को मिल गए, बहुत ही अच्छे थे। देन वी हैड दीज टिक्कास, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था इनका दोस्तों। हमेशा इनके मीठे में कुछ होता था, एंड आई लेजिट हैड सो मच ऑफ फ्रूट कस्टर्ड। मतलब इतना तो मुझे खाना भी नहीं था। ये अगले दिन हम ब्रेकफास्ट में पहुँच चुके हैं, क्योंकि डिनर के बाद वी यूज़ टू स्लीप ओनली। बहुत थक गए थे, हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से बहुत ज़्यादा मुझको प्रॉब्लम हो रही थी। आप आगे जाके और एपिसोड्स में देखोगे कि भाई मेरे साथ तो क्या कांड होते होते रह गया, बट थैंकफुली एवरीथिंग इज़ ओके नाउ। मतलब आप वैरायटी देखो खाने की दोस्तों, ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ इतना सही मिलता था ना यहाँ पे, कि हम खाने के मामले में एकदम सॉर्टेड थे। स्पेशली ये सीबकथर्न जूस, जो कि कहते हैं कि इम्यूनिटी इम्प्रूव करेगा, हम लोगों ने ज़्यादा नहीं खाया। यहाँ पे ऑक्सीजन भी नापी, बिकॉज वी वर ट्रैवलिंग टू नूब्रा वैली टुडे। हालांकि नूब्रा वैली हाइट पे नहीं है, वो इनफैक्ट नीचा ही है, बट वो मेरी ऑक्सीजन थी 88 एंड दिस इज़ मिस्टर हस्बैंड्स 93। ही वाज क्वाइट गुड एक्चुअली। तो 88 मेरी थी, बट 88 भी लोग कहते हैं कि बिल्कुल सही रहती है। तो नूब्रा जाने के लिए ऑक्सीजन इसलिए चेक करी, बिकॉज दिस रास्ता इज़ वाया खाडूंगला पास, एंड खाडूंगला पास इज़ द टॉप मोस्ट मोटरेबल रोड ऑफ आवर कंट्री, आई थिंक इन द वर्ल्ड, आई डोंट नो क्लियरली। अभी आप पढ़ोगे वहाँ पे लिखा होगा, आई मीन इट इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड, 17,000 ऑलमोस्ट 18,000 फीट पर है। द रोड्स वर क्वाइट गुड। ब्रो एसोसिएशन है जो इनकी, बॉर्डर रोड एसोसिएशन, वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं रोड्स को मेंटेन करने में। अभी तक डे 3 था, तो हमें काफ़ी अच्छा एक्लिमेटाइजेशन हो चुका था, ऐसा हमें लग रहा था। बट आगे जाके खाडूंगला पे मैंने जब लोगों को बेहोश होते हुए देखा, मैं थोड़ा डर गई, बट फिर मैंने अपने आप से पूछा कि अरे जब तुम ठीक फील कर रही हो तो घबराने की क्या ज़रूरत है। आई मोटिवेटेड माई सेल्फ, गॉट सम रियली अमेजिंग पिक्चर्स लाइक। और ये यहाँ पे आपको रास्ते वैली व्यू दिखा रहे हैं हम, कि कितनी गहरी गहरी खाइयाँ हैं, पहाड़ बहुत ही ज़्यादा गहरे थे यहाँ के। सी वेलकम्स यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, दिस इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। मतलब बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, शायद लाइफ में कभी दोबारा होगा भी नहीं। मेरी तो हिम्मत भी नहीं है अब इसके बाद दोबारा ऐसे एक्सपीरियंस के लिए। बट ऑल इन ऑल वी टोटली लव बीइंग एट खाडूंगला पास। आर्मी के लोग हमेशा रेडी थे, मतलब मैंने जब लोगों को बेहोश होते हुए देखा ना, दे वर पीपल हेल्पिंग।
और ये ना ग्लेशियर का पानी बह बह के कई जगह पे आ रहा था, काफ़ी करंट तेज़ थी, लोग तो पीने का पानी भर रहे थे, वाटरफॉल से बन रहे थे एंड मुंह हाथ भी धो रहे थे, तो वाटर वाज वेरी कोल्ड। यहाँ पे आर्मी वाले आई थिंक कुछ खेल रहे हैं ऑन द वे। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग राइट हियर। अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा नोब्रा वैली का स्टे कैसा था और नोब्रा में आप क्या क्या कर सकते हो। ऑल इन ऑल डे 2 and 3 एंड्स हियर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी इन दिस सीरीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।